हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको दो अपडेट देने वाला हूँ। एक तो एयर इंडिया की तरफ से जो अपडेट आई है वो देने वाला हूँ, और दूसरी जो है वो तो कल ना इम्यून के बारे में अपडेट देने वाला हूँ कि आप आखिरी जो मैं आप बताने वाला हूँ आज, वो मैं आखिरी स्टेप आज आपको बताऊंगा कि आप अगर इससे भी कर सकते हैं तो आप इससे भी करके अपना तवक्कल ना इम्यून करा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो जो पहली अपडेट है वो एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट आया कि एयर इंडिया ने अपनी बुकिंग चालू कर दी है सऊदी अरब फ्लाइट के लिए। जो सऊदी अरब फ्लाइट आएंगे वो एयर इंडिया ने अपना जो पोर्टल है उनका बुकिंग का वो उसने ओपन कर दिया और बुकिंग ओपन हो चुकी है। अब जाकर के जो बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था, वो मेरे भाई जो हुए हैं कि जो सऊदी अरब में जिन्होंने दोनों डोज कंप्लीट करके फिर इंडिया गए थे, अब वही वापस आ सकते हैं, वही बुकिंग करके वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। यानी कि आपने दोनों डोज सऊदी अरब में ली हो, अगर आपने दोनों डोजे सऊदी अरब में लेकर के और आपका तवक्कल ना इम्यून हो गया तो फिर आप छुट्टी गए थे अपने मुल्क यानी इंडिया गए हुए थे, तो अब आप एयर इंडिया की जो टिकट बुकिंग चालू हो गई है आप टिकट बुक करके और यहाँ पर आ सकते हैं। आप खुद से भी बुक कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तो होता है कि आप खुद से टिकट बुक करें और सऊदी वापस आ जाएंगे। दूसरी जो अपडेट मैं बताने वाला हूँ वो तवक्कल ना इम्यून के बारे में है। बहुत सारे मेरे भाइयों का कमेंट है कि 28 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 22 दिन हो गए। भाई जिनका मैसेज मेरे पास आ रहा है मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, कुछ का हो रहा है कुछ का नहीं हो रहा है, तो जिनके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं मैं सबका भी रिप्लाई करता हूँ और सबके लिए हेल्प भी करता हूँ, सबके लिए फ़ोन भी लगाता हूँ, मैसेज भी करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको खुद आप अपने तरफ से भी मैसेज कर लें, अपने तरफ से भी कॉल कर लें। आपको नंबर भी मैंने बताया हुआ है इंटरनेशनल 937, सारे नंबर भी मैंने बताया आपको। ट्विटर से कैसे मैसेज करना ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो आज मैं आपको बताऊंगा वो मैं बताऊंगा कि आप ईमेल कैसे कर सकते हैं। देखिए 937 का जो ईमेल है आप उस पर जाकर के अपना ईमेल कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, जैसे आप मैसेज लिखते हैं वैसे आपको जाकर के ईमेल करना है। इंशाल्लाह हो सकता है कि आपका रिप्लाई आ जाए और आपका भी तवक्कल ना इम्यून हो जाए, जिसके बाद आप सऊदी अरब आ सकते हैं। तो आप भी 937 पे moh.gov जो ईमेल है उस पर आप जाकर के ईमेल कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो मैं आपको अपने मोबाइल पर दिखा दूंगा कि आपको कैसे ईमेल करना है, और जो ईमेल है वो मैं आपको दिखा दूंगा सारी चीज़ें अभी मोबाइल के स्क्रीन पर, आप देख लेना और उसी तरीके से आप अपना ईमेल भी कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आप लिख करके उसको ईमेल कर दें, इंशाल्लाह हो सकता है आपको जवाब मिल जाए। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको ये ईमेल आईडी नहीं मिल रही तो यहाँ पर देखिए मैंने moh.gov.sa मैंने ओपन किया है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर भी मिल जाएगा 937 और इंटरनेशनल नंबर भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पर ईमेल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपको इसी इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ईमेल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ईमेल आ गया, ये जो आपका ईमेल होगा यहाँ पर आ जाएगा और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, जो आपको लिखना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, लिख करके फिर आपको यहाँ पर ये तीर का निशान दिख रहा है, आपको इस पर सेंड कर देना है। अब आपको लिखना क्या है, आपको जो मैं पहले बताया था वो बता रहा हूँ कि आपको अपना इकामा नंबर पहले आपको लिखना है कि मेरा निकामा नंबर यह है, मैंने वैक्सीन सबमिट की थी, अभी तक मेरा अप्रूवल नहीं आया था, और किस तारीख को, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी, इस तारीख को मैंने वैक्सीन सर्टिफिकेट ई सर्विस पर मैंने सबमिट किया था, मेरा निकामा नंबर यह है लेकिन अभी तक मेरा अप्रूवल नहीं आया है, ना रिजेक्ट आया ना अप्रूवल आया है, वो सारी चीज़ें लिख करके आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं लिखना आता तो आप किसी से लिखा लीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल देखना 937@moh.gov.sa ये ईमेल है। ठीक है, आपको ऐसे करके ईमेल भेज देना है और आपका ईमेल पहुंच जाएगा, फिर हो सकता है इंशाल्लाह आपको भी रिस्पांस भी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।